A very good morning to all of you. In previous class, we were discussed about the activity of chapter second, है ना? और अपने 2.10 activity तक जो है वो अपने discuss कर और मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा doubts clear हुए होंगे आपके और कुछ नए topic सीखने को मिले हैं कि कोई भी gas bubble होती है तो कैसे idea लगता है अपने को, कोई भी अगर सॉल्यूशन है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है तो कैसे पता चलता है कि कौन सा सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा कौन सा नहीं करेगा, ये सब चीजें अपन ने एक्टिविटी में देखी ना। और एक्टिविटी से ही अपना क्या नॉलेज इंक्रीज होता है, इसके कारण से मैंने आपको कहा कि पहले मैं चैप्टर करवाऊंगा उसके बाद अपन किस पर डिस्कस करेंगे एक्टिविटी पर। उसका रीजन क्या था कि उसका रीजन ये है कि भैया जितनी ज्यादा एक्टिविटी चैप्टर आपको करवा दिया आपके कंसेप्ट क्लियर हो चुके हैं, अब मैं आपको एक्टिविटी करवा रहा हूँ तो कंसेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाएंगे, मीन्स अब कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली इस चैप्टर में, है ना। नेक्स्ट एक्टिविटी बात करते हैं 2.12 सर 11। तो 11 में तो अपने को ध्यान में रखना है कि जैसे स्लाइवा है तो उसकी पीएच क्या होती है, डाइजेस्टिव फूड है तो उसकी पीएच क्या होती है, तो अपने को इसमें कुछ समझने वाली कोई बात नहीं। ओके, तो नेक्स्ट एक्टिविटी आती है अपने पास एक्टिविटी 2.12। 2.12 जो एक्टिविटी है वो क्या कहती है इसमें कि आपको क्या करना है कि सॉइल लेनी, सॉइल में सम अमाउंट ऑफ वाटर ऐड करना, वाटर ऐड करवाने करने के बाद उसको अच्छे से शेक करना, शेक करने के बाद में इसको फिल्टर करना और फिल्टरेट की पीएच फाइंड आउट करनी है कि दैट व्हाट इज द पीएच ऑफ फिल्टरेट। अब मैं आपको यहाँ पे दो तीन चीजें बताऊंगा। सबसे पहली बात, अपने को ये पता होना चाहिए कि दैट व्हाट इज पीएच। सबको पता है शायद पीएच में आपके पास क्या होता है, पोटेंशियल, एच मीनिंग क्या होता है, हाइड्रोजन आयन, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन, इसको अपन क्या कहते हैं, पीएच है। ओके, ये पीएच होती है। अब अगर सॉइल की बात करें तो सॉइल की बात करें तो आपके पास एसिडिक भी हो सकती है और बेसिक भी हो सकती है। इसके बारे में पता कैसे चलेगा सर अपने को, तो जो सॉइल है उसको लीजिए, उसमें सम अमाउंट ऑफ वाटर ऐड करो, उसको अच्छे से शेक करो, शेक करने के बाद में इसको फिल्टर करो और जो फिल्टरेट आता है उस फिल्ट्रेट की पीएच चेक करो। सर कैसे चेक करेंगे पीएच, मैंने कहा पीएच चेक करने के लिए अपन किसका यूज करेंगे, पीएच पेपर, किसका यूज करेंगे, पीएच पेपर का। सर क्या होगा उससे, मैंने कहा अगर पीएच पेपर में या पीएच स्केल की बात कर लेते हैं, पीएच पेपर की बात कर लेते हैं, वहां पे अगर सॉल्यूशन की पीएच लेस देन 7 हो, लेस देन 7 हो तो पीएच कौन सी होगी आपके पास, एसिडिक, कौन सी होगी, एसिडिक। अगर आपके पास पीएच पेपर में जो पीएच है वो मोर देन 7 हो तो आपके पास सॉइल की नेचर कैसी हो जाएगी, बेसिक, एसिडिक और बेसिक। यानी कि कुछ प्लांट्स जो है वो एसिडिक सॉइल में ग्रोथ करते हैं, अगर आप क्या करते हो कि एसिडिक सॉइल में अगर प्लांट ग्रोथ कर रहे हैं उसको अपन क्या करते हैं कि बेसिक सॉइल में प्लांट कर देते हैं तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है, बिकॉज जो नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो नहीं मिल पाते, नहीं मिलेंगे तो ग्रोथ नहीं करेंगे, ग्रोथ नहीं करेंगे तो फिर वो कोई उसका मतलब नहीं देगा ना। तो पीएच अगर लेस देन 7 हो तो वो एसिडिक, पीएच अगर मोर देन 7 हो तो बेसिक। तो आपको इस एक्टिविटी में क्या करना था कि पीएच सॉइल लेना था, सॉइल में कुछ अमाउंट ऑफ वाटर ऐड करना था। तो कुछ बच्चे कहेंगे कि सर सॉइल जो है वो वाटर में डिजोल्व होती नहीं है, नहीं होती, बट सम अमाउंट ऑफ जो एक्सट्रैक्ट है जो उसमें मिनरल्स प्रेजेंट है वो आपके पास वाटर में आ जाएंगे, जिससे आप क्या कर सकते हो उसकी पीएच कैलकुलेट कर सकते हो। सॉइल तो वाटर में डिजोल्व नहीं होती है बट उसमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो कुछ और मिनरल्स हैं, वो सारे क्या हो जाते हैं, वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं, जिससे अपन क्या कर सकते हैं उसकी पीएच फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो ये एक्टिविटी 2.12 कंप्लीट हुई। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं एक्टिविटी 2.13, एक्टिविटी नंबर 2.13, है ना, बहुत जल्दी अब कंप्लीट होने वाली है सारी एक्टिविटी। 2.13 देखेंगे, एक्टिविटी नंबर 2.13 की बात करें, एक्टिविटी नंबर 2.13 में आपको कुछ सॉल्ट गिवन है ना, उस सॉल्ट की पहले तो आपको फैमिली बतानी है कि कौन सी फैमिली के सॉल्ट है ना, और उस सॉल्ट के साथ में आपको ये बताना है कि उस सॉल्ट में कौन सा एसिड है या कौन सा बेस है। आपको पता है हमेशा कि कोई भी सॉल्ट है उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, कि कोई भी एसिड है
उसकी रिएक्शन अगर अपन बेस से करवाते हैं तो बेस से करवाने पर किसका फॉर्मेशन होगा, सॉल्ट का प्लस वॉटर। इसमें थोड़ा मैं अपनी तरफ से एडिशन कर देता हूं कि आपके पास जो सॉल्ट गिवन है उस सॉल्ट की पीएच भी आपको बतानी है ना। मेरी तरफ से ये एडिशन कर दिया दैट व्हाट इज द पीएच ऑफ सॉल्ट, कि आपको कुछ सॉल्ट गिवन है लाइक पोटेशियम सल्फेट है ना, तो उसको आपको बताना है कि उसमें कौन सा एसिड होगा कौन सा बेस होगा, और मैंने क्या ऐड कर दिया कि उसमें पीएच जो है उसकी क्या होगी। जैसे सॉल्ट आपके पास एसिड की बात कर लेते हैं उसमें कौन सा है, बेस की बात कर लेते हैं उसमें कौन सा है, और पीएच की बात कर लेते हैं कि उसकी पीएच क्या है। ओके, देखते हैं कौन कौन से सॉल्ट है। जैसे आपके पास एक पोटेशियम सल्फेट है, एक सोडियम सल्फेट है। देखो पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट का बच्चों फॉर्मूला क्या होता है, K2SO4। पोटेशियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होगा अपने पास, K2SO4। तो सर हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा उसमें एसिड है और कौन सा बेस है। मैंने कहा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एकदम अच्छे से अगर अपन क्लास अटेंड करेंगे ना तो सब चीजें क्लियर हो जाएगी कि सर कैसे। मैंने कहा K2SO4 लिख दो, ओके, और इसकी रिएक्शन किससे करा दो, H2O। इसकी रिएक्शन किससे करा दो, H2O। K2SO4 लिख दिया आपने और उसकी रिएक्शन आपने किससे करवा दी, H2O से सर, ठीक है ना। अब इसमें मैं आपको कहूं कि बेटा ये बताओ कि कैटायन कौन सा है और एनायन कौन सा है, तो आप कहोगे कि सर इसमें कैटायन तो पोटेशियम वाला पार्ट है और एनायन कौन सा है, सल्फेट वाला पार्ट। पोटेशियम वाला पार्ट कौन सा है, कैटायन, और एनायन कौन सा है, सल्फेट वाला पार्ट। मैंने कहा इसमें बता दो, आपने कहा सर इसमें तो यूं बताएंगे कि ये इसमें एच और OH, एच और OH। एच क्या होता है आपके पास, कैटायन, और OH आपके पास क्या होता है, एनायन। देखो इससे सिंपल तरीका नहीं है, किसी भी सॉल्ट में अगर आपको ये आइडेंटिफाई करना हो कि कौन सा एसिड है कौन सा बेस है, विच एसिड और विच बेस इज प्रेजेंट इन एनी सॉल्ट, देन अपने को क्या करना पड़ेगा, उस सॉल्ट की रिएक्शन पहले वाटर के साथ करवानी पड़ेगी। ओके, तो K2SO4 में देखा, बिकॉज अपने को पता है, अपन ने 9th में डिस्कस करा था कि कोई भी कंपाउंड हो उसमें पहले क्या लिखा जाता है, कैटायन, और उसके बाद अपन क्या देखते हैं, एनायन के बारे में। तो ये आपके पास कैटायन होगा, ये आपके पास एनायन, ये आपके पास कैटायन, ये आपके पास एनायन। अब एक बात बताओ, मैं यूं कह दूं कि कैटायन कैटायन से रिएक्शन करेगा, ऐसा तो पॉसिबल नहीं होगा ना, कैटायन कभी कैटायन को रिप्लेस नहीं करेगा, तो क्या होगा, एनायन जाएगा इसके साथ, इसके साथ पोटेशियम के साथ, कैटायन जाएगा इसके साथ सल्फेट आयन के साथ, तो किसका फॉर्मेशन होगा। देखो एक तो बनेगा आपके पास KOH प्लस एक आपके पास किसका फॉर्मेशन होगा, H2SO4। एक तो क्या बना KOH और एक क्या बना आपके पास, H2SO4। अब एक बात बताइए, KOH क्या है कि सर KOH स्ट्रॉन्ग बेस है, H2SO4 क्या है कि सर स्ट्रॉन्ग एसिड है। मैंने कहा स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का जो सॉल्ट होता है, स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का जो सॉल्ट होता है उसकी पीएच कितनी होगी, कि सर दोनों ही आपके पास स्ट्रॉन्ग है तो पीएच 7 होगी, मीन्स सॉल्यूशन क्या होगा आपके पास, न्यूट्रल होगा। सॉल्यूशन क्या होगा आपके पास, न्यूट्रल। तो कोई भी सॉल्ट हो उसमें कौन सा एसिड प्रेजेंट है कौन सा बेस प्रेजेंट है, उसके लिए अपन क्या करेंगे कि उस सॉल्ट की रिएक्शन वाटर के साथ करवा दें। अगर समझ आ गया हो तो एक बार जल्दी से हैंड रेज कर दीजिए, फिर अपन नेक्स्ट जो सॉल्ट है उसकी एसिड कौन सा प्रेजेंट है, बेस कौन सा प्रेजेंट है, और उसकी पीएच कितनी है वो भी अपन देख लेते हैं। जल्दी से हैंड रेज करें, बहुत धीरे धीरे हैंड रेज करते हो यार आप। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किसी को नेक्स्ट के बारे में अगर पता हो है ना तो भी वो अपना हैंड रेज कर सकता है कि सर हमें पता है हम आंसर दे देंगे। K2SO4 की बात करें तो उसमें एसिड तो क्या होगा, H2SO4, बेस क्या होगा आपके पास, KOH, और पीएच क्या होगी इसकी, 7। ओके, नेक्स्ट सॉल्ट अपने पास है NH4Cl, नेक्स्ट सॉल्ट अपने पास है NH4Cl, NH4Cl, which acid or which base is present in NH4Cl and what will be the pH of? आपको pH की exact value नहीं बतानी, आपको क्या बताना है, pH is less than 7 or more than 7 or 7, है ना। ये नहीं कि सर pH of this solution is 14, this solution is 13, this solution is 10, this solution is 1, ऐसा कुछ नहीं। आपको बताना less than 7 होगा, more than 7 होगा, यानी कि यूं कह सकते हैं कि आपको ये बताना कि what is the nature of the solution
is acidic, basic, or neutral. Okay. NH4Cl. What is the nature of NH4Cl? What is the nature of aqueous solution of NH4Cl? Is acidic, basic, or neutral? Acidic, basic, or neutral? सर इसमें एसिड तो है HCl, ओके, बेस है NH4OH, ओके, और पीएच है बिलो 7। ओके, ओके NH4Cl सॉल्ट है, आपको क्या आइडेंटिफाई करना है कि ये सॉल्ट जो है किससे बना है, कौन से एसिड से, कौन से बेस से बना। तो अपने को क्या, कोई भी सॉल्ट हो, अपने को अगर उसमें एसिड और बेस आइडेंटिफाई करना हो तो अपने को एक ही करना है कि NH4Cl की रिएक्शन वाटर के साथ करो। अब आपको पता होना चाहिए दिस वन इज कैटायन, दिस वन इज एनायन, दिस वन इज कैटायन, दिस वन इज एनायन। तो ये एनायन किसके साथ जाएगा, कैटायन के साथ। ये कैटायन किसके साथ जाएगा, एनायन के साथ। किसका फॉर्मेशन होगा, देखो NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस किसका फॉर्मेशन होगा, HCl। तो ये दो कंपोनेंट प्रेजेंट है, बेस आपके पास NH4OH और एसिड आपके पास क्या है, HCl। NH4OH और HCl। अब एक बात बताइए बच्चों, NH4OH इज ए वीक बेस, HCl इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड मीन्स सॉल्यूशन में H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन विल बी ग्रेटर देन कंसेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन। सॉल्यूशन की पीएच क्या होगी आपके पास, कम होगी। पीएच कम होगी मीन्स बिलो 7, बिलो 7, है ना। मीन्स आपको एक ऐसे क्वेश्चन समझ आ गए, अगर ऐसे क्वेश्चन कभी आ जाते हैं तो आइडेंटिफिकेशन करना हो एसिड बेस और पीएच का, तो आप इजीली कर सकते हो। तो एक और क्वेश्चन आपके लिए, CH3COONa, what will be the pH of this solution and which acid or which base is present in this solution, in the salt, CH3COONa, CH3COONa. बच्चों इसके साथ साथ ही अपन एक्टिविटी 2.14 भी कर लेते हैं ना। 2.14 में एक और इसमें पॉइंट ऐड है, एक्शन ऑफ लिटमस, वो भी देख लेते हैं। एक्शन ऑफ लिटमस, व्हाट विल बी द एक्शन ऑफ लिटमस ऑन दिस सॉल्यूशन, ऑन द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ दिस सॉल्ट। ओके, अब एक्शन ऑफ लिटमस देखा अपन है ना, कि लिटमस का भी एक्शन बता दीजिए इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। तो अपन एक्शन ऑफ व्यू कर लेते हैं ना, एक लिटमस ले लेते हैं, मान लीजिए कि अपन ने रेड लिटमस ले लिया, ओके, रेड लिटमस का, ठीक है ना। बिकॉज अगर दोनों का लेंगे तो फिर दोनों का ही अपने को लिखना पड़ेगा, सी एस थ्री सी ओ ओ एन ए। अगर मैं इसके लिए बात करूँ तो पीएच क्या होगी, 7, पीएच 7 होगी, तो लिटमस पेपर में कोई चेंज नहीं होगा, न्यूट्रल है। यहाँ पे आपके पास ये एसिडिक है तो यहाँ पे भी क्या रहेगा, नो चेंज। रेड लिटमस पेपर क्या रहेगा, रेड में रह जाएगा, सी एस थ्री सी ओ एन ए। अब इतनी देर तो अपन क्या कंसेप्ट सीख रहे थे कि सर आपने कहा पहले कैटायन होता है फिर एनायन होता है। तो ऑर्गेनिक एसिड में थोड़ा सा बात दिमाग में रखना है कि पहले एनायन होगा फिर कैटायन होगा, ऑर्गेनिक एसिड के लिए। कि सर ऑर्गेनिक एसिड मीन्स जिसमें कार्बन आ जाता है वो ऑर्गेनिक एसिड होता है, ओके, सी एस थ्री सी ओ ओ एन ए। अब आप क्या करोगे, इसकी रिएक्शन एच टू ओ के साथ कराओ। अब ये वाला देखो, इतना पार्ट नेगेटिव है, ये नेगेटिव पार्ट और ये पॉजिटिव पार्ट, ये पॉजिटिव पार्ट और ये नेगेटिव पार्ट। तो ये यहाँ जाएगा, OH कहाँ आएगा, Na के पास। तो एसिड कौन सा हो जाएगा, CH3COOH, और बेस अपने पास कौन सा हो जाएगा, NaOH। अब pH की बात करें, एसिटिक एसिड इज एन ऑर्गेनिक एसिड, और ऑर्गेनिक एसिड जो होते हैं वो क्या होते हैं, उनकी pH जो होती है कम होती है, वीक एसिड होते हैं। NaOH इज ए स्ट्रॉन्ग बेस, तो OH माइनस आयन की कंसेंट्रेशन ज्यादा होगी, तो सॉल्यूशन की जो pH रहेगी वो क्या रहेगी, अबव 7, अबव 7 रहेगी। रेड लिटमस पेपर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, ब्लू। रेड लिटमस पेपर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लू में। अपन ऊपर रेड कंसीडर कर रहे हैं, है ना। अगर मैं ओनली लिटमस पेपर करता तो ब्लू में तो कोई चेंज नहीं होता, रेड किसमें कन्वर्ट हो जाता, ब्लू में। एक और एग्जांपल है ना, एक और एग्जांपल देख लेते हैं अपन। मैं आपको सॉल्ट का
सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, विच एसिड और विच बेस इज प्रेजेंट इन सोडियम कार्बोनेट? सोडियम कार्बोनेट, विच एसिड और विच बेस इज प्रेजेंट इन सोडियम कार्बोनेट? Which acid or which base is present in sodium carbonate? Sodium carbonate, Na2CO3. उसकी बात कर लेते हैं कि कौन सा acid present है, कौन सा base present है और इसकी nature क्या होगी. Na2CO3, sodium carbonate का formula. Na2CO3 क्या करना है आपको? इसको पहले वाटर के साथ रिएक्ट करवाना. वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो वाटर किसमें डिसोसिएट होता है ये भी अपने को पता होगा. H और OH. H पे कौन सा पॉजिटिव, इस पे कौन सा नेगेटिव. सोडियम पे कौन सा पॉजिटिव और कार्बोनेट पे कौन सा नेगेटिव. ओके, सोडियम पे पॉजिटिव और कार्बोनेट पे आपके पास नेगेटिव. तो हाइड्रोजन किसके साथ जाएगा? कार्बोनेट के साथ. OH किसके साथ जाएगा? सोडियम के साथ. रिएक्शन बैलेंस कर देंगे बिकॉज 2Na है तो आपको क्या क्या मिलेगा? 2NaOH प्लस H2CO3. NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, H2CO3 कार्बोनिक एसिड. कार्बोनिक एसिड इज अ वीक एसिड, इट इज अ वीक एसिड. सोडियम हाइड्रोक्साइड इज ए स्ट्रॉन्ग बेस. तो सॉल्यूशन के अंदर OH- आयन की कंसंट्रेशन क्या होगी? ज्यादा. इससे H+ आयन से तो सॉल्यूशन कौन सा होगा? बेसिक. और सॉल्यूशन अगर बेसिक होगा तो pH जो है वो क्या रहेगी? ग्रेटर देन 7. और जो रेड लिटमस है इसको किसमें कन्वर्ट कर देगा? ये ब्लू में कन्वर्ट. रेड लिटमस को किसमें कन्वर्ट कर देगा? ब्लू में. ओके, और ब्लू की बात करें तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा. तो ये अपने पास ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है बिकॉज बहुत सारे सॉल्ट प्रेजेंट है नेचर में. तो कैसे पता करेंगे कि कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है? तो आप किसी भी सॉल्ट की रिएक्शन किसके साथ करवा दो? वाटर के साथ करवा दो. वाटर के साथ करवाने पर जो एसिड आएगा, जो बेस आएगा, उससे अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि सॉल्यूशन की पीएच क्या होगी और सॉल्यूशन जो है वो लिटमस पेपर के साथ कैसा बिहेवियर शो करेगा या लिटमस पेपर के साथ कैसे कलर में चेंज करेगा. ओके, एक दो एग्जांपल और कर लेते हैं फिर अपन नेक्स्ट आगे चलते हैं. एक एग्जांपल और बता दो आप. जिंक सल्फेट, ZnSO4, जिंक सल्फेट है ना. जिंक सल्फेट की बात करो कि जिंक सल्फेट में क्या, जिंक सल्फेट की बात करें तो यहाँ पे एसिड क्या हो जाएगा आपके पास? H2SO4. बेस क्या हो जाएगा आपके पास? मेटल ऑक्साइड है ना, H2SO4 और आपके पास ZnO. मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन करवाओगे वाटर के साथ तो सॉल्ट, सॉरी मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन कराओगे एसिड के साथ सॉल्ट प्लस किसका फॉर्मेशन होगा? वाटर का. तो पीएच की बात करें पीएच क्या रहेगा? पीएच इज लेस देन 7 और रेड लिटमस पेपर किसमें रहेगा आपके पास? रेड में रहेगा. ओके, तो बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं अपनी बुक में तो इसको अपन बाकी अपन कंप्लीट करेंगे. तो एक्टिविटी 2.13 और 2.14 दोनों ही कंप्लीट हो चुकी है. 2.13 में तो आपके पास क्या था? एक्टिविटी 13 में कि आपको सॉल्ट में एसिड और बेस की नेचर के बारे में एक्सप्लेन करना था, सॉरी एसिड और बेस के बारे में बताना था कि कौन सा एसिड प्रेजेंट है, कौन सा बेस प्रेजेंट है. और 2.14 में आपको क्या करना था कि कुछ सॉल्ट के केमिकल नेम गिवन है, उस केमिकल नेम से केमिकल फॉर्मूला का फॉर्मेशन करना था, उस केमिकल फॉर्मूले के बाद में अपने को बताना था विच एसिड और विच बेस इज प्रेजेंट इन द सॉल्ट, और उसके बाद उसकी पीएच के बारे में, और उसके बाद लिटमस सॉल्यूशन या लिटमस पेपर के साथ कैसा बिहेवियर रहता है उसके बारे में एक्सप्लेन करना.
ओके। लास्ट एक्टिविटी आती है अपने पास 2.15, एक्टिविटी नंबर 2.15 या 2.15। एक्टिविटी में क्या गिवन है देखो, इसमें कहा गया कि आप एक टेस्ट ट्यूब लो। ओके, ले लेते हैं टेस्ट ट्यूब। उस टेस्ट ट्यूब में आपके पास कॉपर सल्फेट, CuSO4 5H2O प्रेजेंट। एक टेस्ट ट्यूब ली, टेस्ट ट्यूब में अपने पास क्या प्रेजेंट है, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्राइड। ओके, इसको अपन वही सिस्टम जो है इसको अपन हीट करें, है ना, नीचे से अपन इसको हीट करें। तो हीट करने पे क्या ऑब्जर्वेशन मिलेगा अपने को, कि कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट को अगर आप हीट करते हो तो हीट करने पर क्या ऑब्जर्वेशन मिलेगा, ये अपने को देखना है ना। कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट जो है उसको अगर अपन हीट करते हैं तो हीट करने पर क्या ऑब्जर्वेशन होगा, ये देखना। तो ये एग्जाम्पल किसका है बच्चों, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। सर, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है कि आपके पास कुछ सॉल्ट ऐसे होते हैं जिसमें वाटर जो है वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में प्रेजेंट, जैसे FeSO4.7H2 CuSO4.5H2। तो अगर आप इसको हीट करते हो, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट को हीट करते हो, तो क्या होगा, ये जो कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट है ये कौन से कलर का सॉल्ट होता है, ब्लू कलर, ब्लू कलर का सॉल्ट है। ओके, ब्लू कलर देता है अगर आप इसको वाटर के साथ इसका सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करते हो तो भी ये क्या करेगा, ब्लू कलर के सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करेगा। अब अगर इसको हीट करेंगे तो क्या होगा बच्चों, कि यहाँ पे जो 5H2O है यानी कि 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ जो वाटर है वो बाहर निकल जाएंगे, वो बाहर निकल जाएंगे तो ये ब्लू कलर से क्या हो जाएगा आपके पास, कलरलेस होगा, यानी कि ओनली किसका फॉर्मेशन करेगा, कॉपर सल्फेट का। तो मीन्स कहने का मतलब क्या हुआ कि जो कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट है इसका जो ब्लू कलर है वो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। जैसे ही आपने इसको हीट करा, हीट करने पर वाटर मॉलिक्यूल्स का वेपराइजेशन हो गया, आपके पास ओनली क्या रहा, कॉपर सल्फेट, और वो कॉपर सल्फेट क्या होता है, कलरलेस। तो जितने भी हाइड्रेटेड सॉल्ट है मैंने नोट्स में आपको दे रखा है, जैसे FeSO4.7H2 का उसका भी स्पेसिफिक कलर होता है, तो उनके कलर जो होते हैं वो किसके कारण से होते हैं, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। जैसे ही उसको हीट करेंगे वाटर मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट हो जाएंगे और वो क्या हो जाएंगे आपके पास, कलरलेस। तो कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट को अगर आप हीट करते हो तो हीट करने पर वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकल जाते हैं और ये क्या हो जाता है, ब्लू कलर से कलरलेस हो जाता है। तो ये जो एक्टिविटीज थी अपनी चैप्टर की वो सारी कंप्लीट हुई 2.15 तक, यानी कि 15 एक्टिविटीज कंप्लीट कर ली अपन ने। अगर किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज रेज योर हैंड, तो अपन डाउट भी कंसल्ट कर लेते हैं ना, डाउट में डाउट भी हो अगर किसी को, डाउट भी देख लेते हैं। ओके, कि आपने क्या करा कि आपने ये H2SO4 लिया, ये एक एसिड है। ओके, एसिड की रिएक्शन मेटल ऑक्साइड के साथ करवा, मेटल ऑक्साइड जो बच्चा कौन से नेचर का होता है, ये बेसिक नेचर, मेटल ऑक्साइड कौन से नेचर का होता है, बेसिक नेचर का। तो अपने पास क्या आया, ZnSO4 प्लस क्या आ गया, H2, ZnSO4 प्लस H2। अब आप लोग ऐसे भी कर सकते हो, कुछ जने इस रिएक्शन को ऐसे भी करते हैं कि Zn प्लस H2SO4 तो वो किसका फॉर्मेशन करेगा, ZnSO4 प्लस H2। ये तो आपके पास कौन सी रिएक्शन होगी बच्चों, ये तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। इस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है और हाइड्रोजन गैस एक बेस नहीं है, हाइड्रोजन गैस एक बेस नहीं है, बिकॉज ये तो गैस है, ये कैसे बेस हो सकती है। तो अगर आप ये रिएक्शन करते हो तो ये रॉन्ग हो जाती है, बिकॉज इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और इस गैस में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है। अगर यहाँ बात करें तो मैंने आपको एक रिएक्शन बताई थी इस चैप्टर में ही, कि मेटल ऑक्साइड जो है
वो कौन सी नेचर के होते हैं? मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, बेसिक नेचर के होते, बेसिक नेचर के होते हैं मतलब वो एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे और एसिड के साथ रिएक्शन करके किसका फॉर्मेशन करेंगे? सॉल्ट और वाटर। तो सॉल्ट और वाटर की अगर आप रिएक्शन करवाते हो तो आपको क्या मिलेगा? H2SO4 plus metal oxide, H2SO4 plus metal oxide। ये नहीं होगा कि यहाँ पे अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि सर हम यूं करवा देते हैं रिएक्शन लिखते हैं को कि सर हम यूं करवा देते हैं कि हमारे पास ये H2SO4 था, सॉरी ZnSO4 था, प्लस हम यूं भी करवा सकते हैं कि सर H2O के साथ रिएक्शन करवा दो तो हमें क्या मिलेगा? H2SO4 प्लस जिंक हाइड्रोक्साइड। तो दो तरीके से रिएक्शन कर सकते हैं, बट ये वाली नहीं कर सकते, ये वाली नहीं कर सकते। आप ऐसे कर सकते हो बिकॉज व्हेन एनी ऑक्साइड ऑफ मेटल रिएक्ट विथ एसिड देन इट आल्सो फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। और अगर आप क्या करवाते हो, सॉल्ट की रिएक्शन H2O के साथ करवाते हैं तो भी आपको क्या मिलेगा? सल्फ्यूरिक एसिड एंड जिंक हाइड्रोक्साइड। तो ये भी करेक्ट है, वो भी करेक्ट है, दोनों ही करेक्ट। वो अगर कभी लिखते हो तो वो रॉन्ग है बिकॉज जो H2 है वो आपके पास बेस नहीं है, है ना? H2O जो सॉल्ट बेस नहीं है, आपके पास ये एसिड है, ये आपके पास क्या है? सॉल्ट बेस हो गया। बट ये Zn को अपन बेस कंसिडर नहीं करेंगे, ये ओनली मेटल के साथ रिएक्शन करके डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो कर। ओके, तो या तो आप Zn-O को बेस कंसिडर करो या आप किसको जिंक हाइड्रोक्साइड को बेस कंसिडर करो। वो तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक एग्जाम्पल है कि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, सो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकता है। और मेटल जो है उसकी नेचर कौन सी होती है? आपके पास बेसिक नेचर हो। अपन जिंक हाइड्रोक्साइड अगर कर रहे हो तो वो ज्यादा सही है, जिंक ऑक्साइड कर रहे हो तो वो भी, दोनों ही बेसिक नेचर के होते हैं, दोनों को अपन बेस कंसिडर कर सकते हैं। अब सर इसको क्यों कर सकते हैं? इसको भी तो फिर आपने कहा कि जिंक भी तो बेसिक नेचर का है, उसको ही हमने बेस कंसिडर कर लिया। मैंने कहा आप अगर इसकी रिएक्शन वाटर के साथ करवाते हैं, ZnO की रिएक्शन, ZnO की रिएक्शन वाटर के साथ करवाते हैं तो आपको क्या मिलता है? ZnO twice। तो अल्टीमेटली आपको क्या मिलेगा? जिंक हाइड्रोक्साइड ही तो मिलेगा, ऐसा वहां नहीं होगा, वहां पे साथ में और कुछ गैस भी लिबरेट हो जाएगी, हाइड्रोजन गैस भी। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, या तो आप जिंक ऑक्साइड लिखो तो भी करेक्ट है, जिंक हाइड्रोक्साइड लिखो तो भी करेक्ट है, बट ओनली जिंक लिखोगे तो वो करेक्ट नहीं होगा। नेचर भले इसकी बेसिक हो बट ये वाटर के साथ रिएक्शन करके ये आपको बेस देता है, तो अपन इसकी बात करेंगे। ओके, जिंक ऑक्साइड भी लिख सकते हैं, जिंक हाइड्रोक्साइड भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। और किसी स्टूडेंट को कोई डाउट? अगर किसी को भी डाउट है तो प्लीज रेज योर हैंड। यस सोशल, मेरे को कल की क्लास से रिलेटेड एक डाउट है। हाँ बोलो। सॉरी सर, परसों सर आपने लिटमस पेपर के बारे में बताया था। हाँ, तो सर अगर अगर सपोज कि हमने एक एसिड लिया उसमें ब्लू लिटमस को डाला तो वो रेड हो जाएगा, और सर अब जो रेड बना है उसे वापस बेस में डालेंगे तो वापस ब्लू होगा या फिर अपनी होगा? नहीं, ब्लू हो जाएगा वापस। सर वापस ब्लू हो जाएगा? हाँ, कन्वर्ट हो जाएगा वापस। ओके, यस सर, थैंक यू सर। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं कल विथ वेरी न्यू चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के साथ, है ना? थैंक यू सो मच। कल देखेंगे किसके बारे में? मेटल और नॉन मेटल, चैप्टर नंबर 3 ऑफ एनसीईआरटी, है ना? और टर्म 1 का केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। उसके बाद केमिस्ट्री के 2 चैप्टर और रहेंगे, वो कौन से अपने पास? वो आ जाते हैं कार्बन एंड कंपाउंड एंड पीरियोडिक टेबल। तो इस चैप्टर के कुछ MCQs हैं, वो मैं आज आपको सेंड करता हूँ, तो उसको सॉल्व करना, कोई डाउट हो तो उसको पूछना। ओके, मिलते हैं कल, थैंक यू सो मच।